हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। आई होप आपने कल का लेक्चर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले कल का लेक्चर देख लीजिए। जैसे जैसे मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ सिलेबस, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझें, नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना लीजिए, और सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस बुक में या कोई प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं कर रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े आपको और मिलेंगे, आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, बाकी सब मुझे छोड़ दीजिए। कल तक हमने देखा था, हमने एफएम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, एफएम का इंट्रोडक्शन की फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे डील करता है, क्या क्या पढ़ना है थोड़ा, और इसके बाद हमने देखा था चार प्रॉपर्टीज में हमने देखा था पहले डेंसिटी, फिर स्पेसिफिक वेट यानी कि वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन चारों के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि है विस्कोसिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी हम हिंदी में बोलते हैं शायद, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं श्यानता। वैसे हम बोलते हैं कि विस्कस मटेरियल है, मतलब जैसे हनी काफी विस्कस है, घी भी थोड़ा विस्कस होता है, यानी थोड़ा गाढ़ा है, ऑलराइट। तो विस्कोसिटी का इंजीनियरिंग सेंस में क्या मतलब है? अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो एक पास वाली लेयर दूसरे वाली लेयर को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस लगाता है, या उसको जो, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई फ्लूइड फ्लो है, मैं एक साइड वाटर फ्लो करता हूँ, अच्छा हनी फ्लो करता हूँ, कौन सा पहले फ्लो होगा? अच्छे से फ्लो होगा इसलिए वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में आपस की लेयर्स के बीच में रेजिस्टिव फोर्स बहुत कम है, पर हनी में बहुत ज्यादा है। इसी रेजिस्टिव फोर्स, यही है हमारी विस्कोसिटी, कि दो एडजेसेंट लेयर के बीच में कितना रेजिस्टिव फोर्स है जो फ्लो को रोकता है, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ऑलराइट, इसके हम बात करें डेफिनेशन की, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, which offers the resistance to flow between two adjacent layers. All right, this is viscosity, very simple. मैं लिख देता हूँ उसको। अगर मैं बात करूं सिंपली किसी भी फ्लूइड की, जैसे ग्राउंड है, जैसे ही मैंने कोई फ्लूइड इसके ऊपर डाला, अब खुद सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किसी फ्लूइड को डालने पर वो पूरा पूरा फ्लूइड चला जाता है? नहीं, सबसे नीचे का लेयर, अगर पानी भी डालते हो जमीन पर तो वो जमीन गीली हो जाती है। गीली मतलब क्या? कि जो सबसे नीचे पानी का पानी था, जो मटेरियल था, वो वहां चिपक गया, मतलब वो स्लिप होके आगे नहीं गया। राइट, जब स्लिप होके आगे नहीं गया मतलब स्लिपिंग नहीं हुई, एक ही बात है, स्लिपिंग नहीं हुई, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। मतलब जब मैं कोई फ्लूइड डालूंगा तो जो सबसे नीचे वाला फ्लूइड है वो यही चिपक जाएगा, इसी को हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। इसका मतलब ही होता है कि इस लेयर की वेलोसिटी जीरो होगी, इसमें कुछ वेलोसिटी नहीं है, वही चिपक गया। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है, आप पानी डालोगे तो जो यहां इतनी ऊपर जो मटेरियल होगा वो तो जाएगा इस तरफ से, मतलब ये जीरो से धीरे 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 चेंज हो रहा है। मतलब ये इस तरह से होता है एक्चुअली, कि मैं मान लो कि ये इस पोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर अगर वेलोसिटी जीरो है, यहां पर लेट्स से वी है, तो ये इस तरीके से पैराबोलिकली करता है। किस तरह की बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपको मिलेगी वी, या लेट्स से यू ले रहे हैं तो यू लेते हैं, यहां पर मिलेगा यू प्लस डी। लेट्स से कि ये डिस्टेंस वाई था और ये डिस्टेंस है डी वाई, मतलब वाई सबसे नीचे देखूंगा तो वेलोसिटी जीरो है, थोड़ा ऊपर जाने पर कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर गया, ये इसका मतलब, ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चों कि ये यू थोड़ा, मतलब ये यहां पर वेलोसिटी बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, ये इस पॉइंट पर ही वेलोसिटी बता रहा है।
कि अगर मैं इसी लाइन पर इसी पॉइंट पर अगर मैं वाई डिस्टेंस ऊपर जाता हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी उसकी यू होगी। ये सब तरीका है बताने का कि कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो ये पैराबोलिकली वेरी करता है। और यहां पर वेलोसिटी और वेलोसिटी है हमारी यू डी वाई, और चेंज करने पर हमें मिलता है यू प्लस डी। ऑलराइट, इस तरीके से वेरी करता है। तो सबसे नीचे वेलोसिटी जीरो, इसे हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ऊपर जाने पर वेलोसिटी यू, और ऊपर जाने पर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, लेट्स से कुछ डिवाइड डिस्टेंस पर ये यहां से कितना मूव किया, तो हमें पता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा कुछ स्पीड इनटू टाइम। मैं यहां से बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b, p हो जाएगा du dt अपॉन b हो जाएगा dy। अब क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है इसलिए थीटा यदि डिटर लेते हैं, तो d थीटा इज इक्वल टू du dt अपॉन dy, या मैं बोल सकता हूं कि d थीटा बाय dt इज इक्वल टू du बाय, ये आपको बहुत काम आएगा आगे, इसको पॉज करके आप क्वेश्चन में बन लीजिए। ठीक है, तो सिंपली आपको बता रहा है कि देखो d थीटा बाय dt जो होता है इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जब भी अपॉन टाइम आए वो रेट बताता है, थीटा क्या है कि कितना वो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वो ऊपर वाला फ्लूइड नीचे के कंपैरिजन में कितना आगे गया है, समझ रहे हैं, शियरिंग हो रही है कि ये वाला फ्लूइड पार्टिकल यहीं है पर ये वाला फ्लूइड पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल कितना आगे गया है, मतलब कितनी शियरिंग हुई है, उसे हम बोलते हैं थीटा। तो कितना शियरिंग हुई है पर यूनिट टाइम में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डीयू बाय डीवाई, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडिएंट। यहां रहने से मतलब क्या होता है du by dy का, कि y में चेंज होने पर dy y में चेंज होने पर u में कितना चेंज आया है, कि यहां पर जैसे हम बात करूं यहां तो यहां पे 0 है यहां पे u, तो du by dy u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जित कुछ y में चेंज होने पर, कुछ हाइट में चेंज होने पर u वेलोसिटी में कितना चेंज आया है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडिएंट, या मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to change in depth ya change in height ek hi baat। all right, this jaise maine pehle bataya tha ki agar koi fluid move kar raha hai to definitely usme shear force act ho raha hai, matlab shear stress bhi lagega। agar fluid move kar raha hai matlab fluid move kar hi nahi sakta without shearing, to shear force act hoga, shear force act hoga to shear stress bhi zarur act hoga। theek hai, aage badhte hain। यहां पर आते हैं न्यूटन, तो हम बात करते हैं इसी विस्कोसिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि जब कोई फ्लूइड फ्लो होगा उनके लेयर्स के बीच में शियर फोर्स होगा, उसकी वजह से शियर स्ट्रेस होगा, और ये शियर फोर्स जो लग रहा है दिस शियर फोर्स is directly proportional to the velocity gradient। कुछ बुक्स में या कुछ जगह, क्योंकि दोनों सही है, आपको यह भी दिया रहेगा कि इस proportional to rate of shear strain, बात एक ही है दोनों की, क्योंकि मैंने बताया था अभी अभी कि ये दोनों सेम ही चीज होती है। जब मैं ये proportionality sign हटाऊंगा तो आपको मिलेगा एक constant जिसे हम बोलते हैं mu du by dy। This mu is called as viscosity। ये एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां बात करूंगा तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डी। ध्यान रखिएगा ये म्यू जो है, इस म्यू को विस्कोसिटी बोल दो, डायनामिक विस्कोसिटी बोल दो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल दो,
कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बोल दो, चार में की चीज ये म्यू विस्कोसिटी, या एक और नाम बोल दो इसको, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, सब एक ही चीज है। ऑलराइट, ये यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म कहां से है, यहां से है। अब अगर मैं आपसे, ये तो न्यूटन के थ्रू बताया गया है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि विस्कोसिटी को डिफाइन करूं एक बार और मैथमेटिकली, तो देखो कभी भी किसी चीज को मैथमेटिकली डिफाइन करना बहुत सिंपल होता है, कभी भी हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी जो डिनोमिनेटर में है उसको वन करो, वेरी सिंपल। मैं यहां से जाता हूं आगे, तो मुझे मिलेगा कि म्यू होता है सर टाउ अपॉन, मतलब मैं समझ सकता हूं सिंपल कि सर इट इज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट, कुछ भी हो हमेशा आप डिनोमिनेटर को वन कर दो, बहुत सिंपल होता है कि यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट के लिए ये एक करने के लिए कितना ये लगेगा म्यू। तो इसको डिफाइन करते हैं कि विस्कोसिटी इज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट, वेरी सिंपल। हम समझेंगे क्या इसको, अगर हम समझना चाहें तो बहुत सिंपल है, समझो कि यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, यहां पर कुछ यू थी, यहां पर यू प्लस डी यू थी, तो सर अगर मुझे यूनिट चेंज करना है, अगर मेरे को वेलोसिटी मतलब वाई के रिस्पेक्ट में यू का यूनिट चेंज चाहिए, वाई के रिस्पेक्ट में यू का यूनिट चेंज चाहिए, तो शियर स्ट्रेस कितना लगेगा उनके बीच में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर कोई फ्लूड फ्लो नहीं हो रहा है तो स्टैटिक कंडीशन में नो शियर फोर्स नथिंग, बट अगर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसमें शियर फोर्स भी लगेगा, शियर स्ट्रेस भी लगेगा। तो अगर हमें यूनिट चेंज चाहिए तो कितना शियर स्ट्रेस एक्ट होगा या लगाना पड़ेगा कि हमें यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट मिल जाए, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी, मतलब यूनिट की, वेरी सिंपल। इसकी यूनिट क्या होती है, एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है सिंपली फोर्स बाय एरिया, तो इसकी यूनिट होती है पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, अपॉन डीयू यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और डीवाई डेप्थ हाइट मीटर, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो यूनिट हो जाएगी इसकी पास्कल सेकंड, या इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा इसकी यूनिट एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। ऑलराइट, अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन जिसमें आपको ये तो आपके ऐसा यूनिट है, आपको सीजीएस पूछा गया था, सीजीएस क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, देखो न्यूटन का सीजीएस होता है डाइन, सेकंड का सेकंड, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पॉइस। ध्यान रखना एग्जाम में कई बार आया है, तरीके अलग अलग होते हैं पूछने के, पॉइस इसकी यूनिट है, ये किसके यूनिट है, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट इसमें से कौन है, तरीके अलग अलग है, बात वही क्वेश्चन है। ऑलराइट, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 pascal second = 10 poise, कई बार आपको न्यूमेरिकल दिया होता है, न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू इसमें दी हुई होती है, आपको रखना इसमें होता है, क्वेश्चन को लेके इसमें दिया आपको इसमें रखना है, या फिर क्वेश्चन को आखिर में आपसे पूछा कि आप सीरियस में बताओ, तो यू टू कन्वर्ट। एक और चीज कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.1 poise, क्या मैं बोल दू 1 centipoise, एक मिनट 0.01, और किसी भी मटेरियल की विस्कोसिटी मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वेरी सिंपल, आपने सुना होगा कि विस्कोसिटी इज मेजर्ड बाय
विस्कोमीटर, हमें इसकी डिटेल नहीं पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए कुछ नाम, होता है रेडवुड विस्कोमीटर होता है, ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर होता है, तो कुछ नाम पता होना चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी सिक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं न्यू से, राइट। सिंपली इट इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, ये हमारा था एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, वेरी सिंपल, ठीक है। यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट थी हमारी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व कैसे करें, तो हमें पता है कि एक न्यूटन क्या होता है, मैंने बताया था यहां से, तो न्यूटन के बदले में लिखता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम। मैं सॉल्व करता हूं तो आप पाएंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान रखना एग्जाम में टेबल पूछा गया है, पर ये ऐसा ही है, मैं सीरियस की बात करूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक। कई बार पूछा गया है सेम बात वापस कि आपको ये देखिए ये पूछ लेगा, ये देखिए ये पूछ लेगा, इसकी सीजीएस बताओ, इसका ऐसा ही बताओ, या इसकी यूनिट क्या है, तरीके अलग है। ऑलराइट, ये हमारी खत्म होती है छह प्रॉपर्टीज। इस विस्कोसिटी के बारे में मुझे एक बात बतानी है आपको, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि डेंसिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट, या टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सिमिलरली हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो इसका डिटेल नहीं समझना है हमको, हम क्रैश कोर्स देके चल रहे हैं अभी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसका डिटेल समझें, आपको सिर्फ इतना समझना है छोटे से ग्राफ से समझ पाएंगे ध्यान से। अच्छा मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो थोड़ा स्प्रेड होता है, राइट, उसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे कम होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें इतने कोहेसिव फोर्सेस हैं या उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उसको इतनी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जो आपस के कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन फोर्स को तोड़ करके, उन फोर्स को ओवरकम करके वो स्प्रेड होता है, उसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं, जब उन्हें आप हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी दोगे, तो उनका मोमेंटम बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से वो इतने ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं कि उनकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता क्या है कि आपस में रेजिस्टेंस, पहले भी टेम्परेचर कम था, मॉलिक्यूल्स बाहर स्प्रेड हो रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, पर टेम्परेचर बढ़ा, वो इतने ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं कि उनकी विस्कोसिटी बढ़ गई, यानी कि अब जो आपस में जो फ्लो हो रहे थे इजीली, इतने ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं कि उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल दूर दूर है तो कोई ठीक है, वो आराम से फ्लो हो रहा है जहां होना है, पर मॉलिक्यूल्स बार बार रैंडम मोशन हो रहा है, बार बार कांटेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं, तो उनका जो कांटेक्ट है, उनका जो फ्लो है, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के साथ और ये बात करूं विस्कोसिटी की, तो टेम्परेचर के साथ गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, और बात करूं लिक्विड की तो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। इसके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी हैं, पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको एसएससी प्री के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गैसेस के लिए जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के, बात करूं लिक्विड्स की तो ये जो है वो कम होती है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ना, पढ़ना, ठीक है। ये हमारे खत्म हुए बेसिक प्रॉपर्टीज, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में। इस पर भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने बताया था एसएससी जेई प्री हुआ, व्यापम हुआ, आरआरबी जेई का सीपीजी 2 हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडियल फ्लूइड। सी नाम समझ में आ रहा है, आइडियल फ्लूइड जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा फ्लूइड रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा फ्लूइड क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम बोलते हैं कि ऐसा फ्लूइड जो इनविस्कस हो और इनकंप्रेसिबल, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है रियल लाइफ में जिसकी विस्कोसिटी ही ना हो। अब अपन के सर इनकंप्रेसिबल तो होता है, मतलब वाटर इनकंप्रेसिबल है, ध्यान रखिए लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल होते हैं, हाँ बहुत कम एक्सटेंट तक कंप्रेसिबल होते हैं, बट लिक्विड्स आर आल्सो कंप्रेसिबल। इसीलिए आइडियल फ्लूइड हो जो इनविस्कस हो, जिसकी विस्कोसिटी भी जीरो हो, मतलब जिसका विस्कोसिटी जीरो मतलब म्यू जीरो, और इनकंप्रेसिबल मतलब क्या, सी कंप्रेसिबल नहीं है मतलब उनका उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। जब कंप्रेस नहीं कर सकते तो फिक्स वॉल्यूम रहेगा उस मास का, मतलब डेंसिटी वेरी नहीं कर सकते, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। ये मेन चीज है आइडियल फ्लूइड के लिए जो कि रियल लाइफ में नहीं होता। नेक्स्ट रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, मतलब व्हिच पजेस सम विस्कोसिटी एंड आर कंप्रेसिबल, राइट। सभी जितने भी फ्लूइड्स करते हैं, वाटर, ऑयल, जो भी आपने देखा है रियल लाइफ में, सभी रियल फ्लूइड्स हैं, राइट। इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड रो इज नॉट कांस्टेंट, बट हम मानते हैं जल्दी रो कांस्टेंट होता है, पर वो हमारे स्टडी के लिए होता है। हम बात करते हैं थर्ड न्यूटन फ्लूइड की। नाम से क्लियर है ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करे, तो विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई को फॉलो करता है, तो हम बोलते हैं कि न्यूटन। नंबर फोर नॉन न्यूटन फ्लूइड, वेरी सिंपल, जो इसको फॉलो ना करें ध्यान रखिएगा कि न्यूटोनियन है तो भी वो होते कौन से हैं, रियल फ्लूइड होते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सिस्ट करते हैं, ये भी रियल फ्लूइड होते हैं। तो ये क्या फॉलो करते हैं, नॉट न्यूटन फॉलो करते हैं कि टाउ इज इक्वल टू टाउ वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से दो मिनट बाद। कुछ बुक्स में आपको ए और बी मिलेगा, दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं, हम समझेंगे। एक क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट कि द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड एज, ध्यान रखना इसका, इसको बोलते हैं हम रियोलॉजी, राइट। रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब ऐसे रियल फ्लूइड जो एक्सिस्ट तो करते हैं पर न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो कुछ अलग सिस्टम फॉलो करते हैं। इसका एक काफी अच्छा क्लासिफिकेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है, हम शुरू करते हैं उस क्लासिफिकेशन को। पहले इसको ग्राफ से समझ लेते हैं, छोटा सा ग्राफ से
जिसमें विस्कोसिटी ना हो, मैंने बताया था आइडियल फ्लूइड। सर न्यूटन का लॉ ये बोलता है अगर विस्कोसिटी ही नहीं है, जीरो है तो ये पूरा जीरो, मतलब टाउ जीरो, मतलब सर ये वाला फ्लूइड कि ये टाउ जो है जीरो रहेगा हमेशा। ये क्या है? आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड कुछ भी ग्राफ बना हुआ सब रियल फ्लूइड है, सब रियल फ्लूइड है। जो प्रोपोर्शनल है न्यूटोनियन, जो प्रोपोर्शनल नहीं है मैंने ये सब बना दिया, मैं चाहूं तो ऐसा बना दूं, ऐसा कुछ भी बना दूंगा जो प्रोपोर्शनल नहीं है उसे हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत सोचिएगा कि ये ग्राफ जनरली बुक्स में ऐसे ग्राफ दिया होता है, अगर मैं ये बनाऊं तो ये भी नॉन न्यूटोनियन, मैं ऐसा बनाऊं नॉन न्यूटोनियन, कुछ भी बनाऊं वो नॉन न्यूटोनियन नहीं कहलाए, अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो, और आइडियल नहीं है तो ऑब्वियसली, और ये रियल तो है ही सारे। ऑलराइट, अब ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, ये जनरली दो टाइप के होते हैं, नाम समझ आता है हमको कि जो टाइम पर डिपेंड करते हैं टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट। हालांकि ये सभी फ्लूइड्स न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते, हम समझते हैं। Thank you.
ठीक है, समझते हैं। नॉन न्यूटन फ्लूड जो रियल फ्लूड होते हैं लेकिन जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। बहुत है समझेगा, इस चार्ट के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टाइम डिपेंडेंट मतलब जो टाइम के साथ जिसकी विस्कोसिटी वेरी करे, ठीक है। हम बिना कुछ किए सिर्फ टाइम के साथ अगर विस्कोसिटी वेरी करती है तो हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट, नहीं करती इंडिपेंडेंट। दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, एक होता है रियोपैक्टिक फ्लूइड। हम एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि टाउ वाई इज मोर देन जीरो, टाउ वाई क्या है मैं समझाता हूं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो टाउ इक्वल टू टाउ वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डी यू वाई डी वाई की पावर एन। ये टाउ वाई का मतलब होता है यील्ड शियर स्ट्रेस, मतलब अगर उसको थोड़ा भी मूवमेंट करवाना है, थोड़ा सा भी वेलोसिटी ग्रेडिएंट हमें चाहिए तो कुछ तो यील्ड शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी शेयरिंग किया तो वो फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ा समझाने के, टूथपेस्ट, क्या टूथपेस्ट को आप थोड़ा सा भी टच करोगे तो क्या वो मूव कर जाएगा? नहीं, क्योंकि एक कुछ लिमिट है, मतलब उतना तो शेयरिंग देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपनी जगह से हिलता है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, आप आइसक्रीम ले लो, आप जिप्सम पेस्ट ले लो, आप राइस का सॉल्यूशन, आप केचप ले लो, आप टूथपेस्ट ले लो, ये सभी कैसे फ्लूइड हैं? नॉन न्यूटोनियन है। आइसक्रीम को भी आपको अगर फ्लो करवाना है थोड़ा सा तो ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब एक कुछ लिमिट होती है जिस तक आपको शेयरिंग लगानी ही पड़ेगी शेयर स्ट्रेस, उसके बाद ही वो मूव करता है। इसलिए इसको बोलते हैं टाउ वाई, मतलब ये प्लस में है, मतलब इतना तो लगेगा ही, इतनी शेयरिंग तो कंपलसरी, शेयर स्ट्रेस इतना लगेगा ही उसमें। टाइम बढ़ने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, ऑब्वियस बात है। एग्जांपल देखो, आइसक्रीम रखे रहो, टाइम के साथ साथ पिघल जाएगा। अब आप ये मत भूलिएगा कि सर टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर की कंडीशन है। मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की, मैं यहाँ पर किसी भी कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर पर अगर आप आइसक्रीम रखते हैं तो वो धीरे 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 ठंड का मौसम हो तो भी धीरे 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 वो टाइम के साथ पिघल जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो वो थिज़ोट्रॉपिक फ्लूइड है। n less than 1 है, ये n क्या होता है, इसमें n ये होता है apparent viscosity। ये viscosity का ही एक दूसरा टर्म है जो हम समझेंगे, एक्चुअली यहां जरूरत नहीं समझने की, ये आपको बहुत हेल्प करेगी अभी ग्राफ बनाने में। आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा चार्ट है, इतने सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, ये वो याद कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, चार्ट बताएंगे, बनाएंगे हम, काफी इजीली आपको याद हो जाएगा उससे। आपको समझना ये है कि इसकी अपेरेंट विस्कोसिटी लेस देन 1 होती है। रियोपैक्टिक फ्लूइड इसका उल्टा होता है, जो टाइम पर डिपेंड तो करता है, टाउ वाई लेस देन 0 होता है इसमें भी, कि हाँ कुछ वैल्यू तो देना ही पड़ेगी शेयरिंग की। टाइम बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल देखिए जिप्सम पेस्ट, जैसे अगर कोई सिंपल जिप्सम पेस्ट आपने जिसमें देखा होगा घर में पीओपी वगैरह काम होता है, ये चीजें क्या है, जितना टाइम धीरे धीरे जाएगा, पहले गीला रहता है, धीरे धीरे से सूखता जाएगा टाइम के साथ साथ, अपने आप बहुत कड़क हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी, इजीली आपस में फ्लो आकर जिप्सम पेस्ट अगर पहले एकदम फ्रेश है, आपने फ्लो करवा रहा है, फ्लो हो रहा है, कुछ टाइम बाद फ्लो करवाएंगे तो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। एंड लेसन बनाए समझिए, ठीक है। ग्राफ्स, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, जैसे इसमें जनरली दो होते हैं, स्यूडो प्लास्टिक डायलेटेंट, एक्चुअली बाइनियम प्लास्टिक भी टाइम इंडिपेंडेंट ही है, पर कुछ ऑथर्स ने टाइम इंडिपेंडेंट और बाइनियम प्लास्टिक को अलग किया, तो समझेंगे साथ में। स्यूडो प्लास्टिक का टाउ वाई इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसमें कुछ यील्ड शेयर की वैल्यू नहीं होती, मतलब अगर थोड़ा बहुत शेयर देते हैं तो वो फ्लो हो जाता है, जिसमें इसको बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड, मतलब आप जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट आप बढ़ेगा इसमें, ये बढ़ेगा मतलब क्या, मतलब सर अगर आप y के रिस्पेक्ट में जैसे जाएंगे कि अगर आपको देख रहे हैं कि y में चेंज होने पर u बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, आप कुछ कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि सर y में चेंज होने पर यहाँ वेलोसिटी कम है, थोड़े से ऊपर गए और बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब अगर du by dy बहुत ज्यादा है तो विस्कोसिटी उसकी बहुत कम है, कहने का मतलब। ऐसे फ्लूइड जैसे मैं कहूं मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क में आप देखेंगे नीचे वेलोसिटी कुछ जीरो है, पर थोड़ा ही ऊपर जाएंगे फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो वो एक शेयर थिनिंग फ्लूइड है, मतलब इसमें थोड़ा सा भी डी वाई डी वाई ज्यादा बढ़ रहा है कहने का मतलब, तो विस्कोसिटी उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कहने का मतलब वो इजिली फ्लो नहीं करेगा, वो थिन फ्लूइड है, पतला फ्लूइड, शेयर थिनिंग होगी उसके अंदर। मिल्क हुआ, केचप हुआ, ह्यूमन ब्लड हुआ, ह्यूमन ब्लड है ब्लड,
मैं बात करूं डायलेटेड की, तो डायलेटेड एक ऐसा नॉन न्यूटोनियन रियल फ्लूड है जिसमें शेयर की वैल्यू तो नहीं होती, साथ ही साथ अगर अपने घर में अगर चाशनी बनाई हो, कभी चाशनी बनाते हैं तो चाशनी लिक्विड रहती है पहले, शुगर सिरप जिसको हम बोलते हैं, पर जैसे जैसे आप उसको हिलाओगे वैसे वैसे वो कड़क होती जाएगी, वैसे वैसे वो विस्कस होती जाएगी, तो वो क्या है, डायलेटेड फ्लूइड है। कि आपका DUI DY बढ़ने पर आपको जितना वेलोसिटी दे रहे हैं आप उसको, जितना ज्यादा मूव करवा रहे हैं उतनी ज्यादा विस्कोसिटी उसकी बढ़ रही है, वो शेयर थिकनिंग फ्लूइड होता है। राइस स्टार्च फर्स्ट में उसमें आता है, शुगर सिरप्स में आता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है गाइस बेंगम प्लास्टिक के बारे में, बेंगम प्लास्टिक भी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है जिसमें टाउ वाई कुछ यील्ड की वैल्यू जरूर रहती है, स्लोप यानी अपर विस्कोसिटी में 1 के बराबर होती है, टूथपेस्ट ये समझने में ग्राफ से कि भाई बेंगम प्लास्टिक फ्लूइड में जो है वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें कुछ वैल्यू के बाद, मतलब टाउ वाई मोर देन जीरो है, मतलब टाउ के कुछ वैल्यू के बाद वो न्यूट्रस का फ्लूइड करता है। इसको पूछने के तरीके अलग अलग हैं, इसके एग्जांपल देकर पूछा जाता है, इसके टाउ वाई के बारे में देखकर पूछा जाता है, ये सिंपल डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी फ्लूइड में अगर मैं ऐसा बात करूं कि कुछ यील्ड लिमिट की वैल्यू के बाद अगर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने लग जाए तो वो होता है बेंगम प्लास्टिक फ्लूइड। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको हम समझेंगे ग्राफ से। इसको नाम दे देते हैं सिंपली हमें पता है कि ये वाला जो है ये क्या है, आइडियल फ्लूइड है गाइस, ठीक है। मैं देख देता हूं, समझा दूं आपको एक साथ, अब ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा पूरा चार्ट बहुत इजीली याद रखने में। देखिए ये टाउ है, ये वेलोसिटी ग्रेडिएंट है, यहां पे टाउ की वैल्यू जीरो है, मतलब डेफिनेटली ये भी जीरो ही होगा, तो जितने टाउ वाई इक्वल टू जीरो है वो यहां आएंगे, और जितने यहां पे टाउ वाई मतलब कुछ यील्ड लिमिट के बाद ही वो कुछ फ्लो कम ज्यादा कुछ कर रहे हैं, मोर देन जीरो, क्लियर। मतलब आपको यहां थोड़ा सा भी आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो वो कुछ ना कुछ शो करेंगे, कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करेंगे, पर ये इन फ्लूइड्स में आपको कुछ लिमिट तक टाउ देना पड़ेगा, उसके बाद ही दे विल मूव, ऑलराइट। देखिए ऐसा मैंने बताया था आपको, देखिए ये एन क्या है, ये एक स्लोप है, ऑलराइट, अपरेंट विस्कोसिटी ये क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारे ग्राफ में स्लोप डिनोट कर रहा है। अब समझो स्लोप होता क्या है, आप लोग रटोगे रटना मत, समझो बात को, कोई भी कर्व है, ये इसका स्लोप यहां देख रहा हूं कुछ इतना है, यहां देख रहा हूं इतना है, यहां देख रहा हूं इतना है ना, लेट्स से समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा मत पूछो, ये स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व से हमारा कितना एंगल है उसी को हम बोलते हैं स्लोप। हम देख रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक है, इसी कर्व को हम बोलते हैं कि स्लोप जो हमारा एक से कम है, नेगेटिव स्लोप, मतलब स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब
ये स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ऐसे करके तो यहाँ एंगल कम है, यहाँ एंगल ज्यादा है, यहाँ एंगल और ज्यादा है, तो धीरे धीरे एन बढ़ रहा है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। मतलब आप सिर्फ एन याद रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ग्राफ कौन सा किस तरह से रहता है। आपको एग्जाम में वर्ड्स के साथ साथ जो मैंने चार्ट बनाया था वो ग्राफ वो डेफिनेशन, वो शेयर थिंग, शेयर थिंग के बारे में, एन के बारे में, टाउ वाई के बारे में एग्जाम्पल लेके वो उनके साथ साथ आपको ग्राफ भी पूछ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सर थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड को 7 नंबर, मतलब जिसका कुछ टाउ वाई भी होगा और जिसका एपेंट विस्कोसिटी लेस देन 1 होगा। थिक्सोट्रोपिक विंडो ब्लास्ट में क्या होता है, टाउ वाई ज्यादा तो होता है पर कुछ लिमिट के बाद वो न्यूटन का फॉलो करता है, मतलब प्रोपोर्शन होता है, मतलब इसमें स्लोप नहीं होता, इक्वल टू 1 होता है। रियोपेक्टिक स्लोप बढ़ रहा है धीरे धीरे, न्यूटोनियन मैंने बताया था टाउ वाई 0 होता है, सूडोप्लास्टिक में धीरे धीरे स्लोप कम है, एन लेस देन 1 और यहां पर एन बोल रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, हम समझते हैं कि हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हम उस पर कैसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं या कैसे काम करेंगे, राइट। क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है सिंपली कि वॉल्यूम दिया है आपको 6 मीटर क्यूब, सिंपल इतना दिया है कि एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम है 6 मीटर क्यूब और जिसका वो वेट है 44 किलो न्यूटन, और आपको निकालना है चारों प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है इसके बारे में, यानी कि डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एसिमोटी। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करें, करता हूं। हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है सर, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर वेट दिया हुआ है तो हम तरीके तो हैं, हम वेट से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा करता हूं पहले मैं निकाल लेता हूं वेट डेंसिटी, तो वेट बाय वॉल्यूम 44 × 10³/6 ये सॉल्व करने पर आएगा। मैं बात करूं डेंसिटी की तो आपको डेंसिटी पता है सर, डेंसिटी गामा होता है रो जी, तो रो हो जाएगा गामा बाय जी, सिंपल ये हो जाएगा आपका और स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी सिंपल रो बाय रो, आप चाहें तो गामा बाय गामा कर सकते हैं, ये सिंपल पड़ेगा 747 आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/ρ वेरी सिंपल 1/ और ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन देना चाहता हूं तो आप उस क्वेश्चन को अभी करें और फिर कल सेम टाइम में हम क्लास करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा, राइट। क्वेश्चन है Thank you.
आपको सिंपली विस्कोसिटी निकालनी है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, टाइम विस्कोसिटी दिया हुआ है, आप विस्कोसिटी निकालें। विस्कोसिटी में कुछ बोला नहीं है, मतलब क्या ये डायनामिक विस्कोसिटी की बात ही कर रहा है या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की बात ही कर रहा है। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा वो एसएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी आधा हो चुका है, कल के लेसन में हम पूरा चैप्टर जो वन है वो हम खत्म कर देंगे। इसमें हमारा पूरा बेसिस होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कैविटेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, वेपर प्रेशर, एवरीथिंग, राइट। ये जो है अगर आप ये आपको नहीं आता है या आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप आगे जाके जब हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस पढ़ेंगे, जब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे, जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे, जब हम प्रेशर वगैरह पढ़ेंगे तो इनकी चीजें, ये चीजें बहुत बेसिक्स वहां पर एज इट इज काम में आती है, राइट। इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, रिवाइज करें। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई ओवर देयर ओनली, नहीं तो मैं अगले वीडियो में पहले ही वो डाउट्स आपके जो है मैं वो डिस्कस कर लूंगा, राइट।